हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आरिस मॉम शॉर्ट्स। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जय माता दी सभी लोग को। तो वीडियो तो पहले से सबको पता चल गया होगा कि हाँ हम लोग कहाँ गए हैं। तो यहाँ पे सुल्तानपुर के स्टेशन पे हम लोग आ चुके हैं और ये ट्रेन जा रही है। तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, मेरी आवाज़ पर मत जाइएगा बिकॉज वहाँ से आने के बाद बहुत तबीयत ख़राब हो गई है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोग को अपर बर्थ मिली थी रिजर्व सीट पे, तो सबसे ऊपर बैठना पड़ रहा था तो अच्छा नहीं लग रहा था, बट थोड़ा बहुत ले लिया। लेने का तो मन बिल्कुल नहीं था क्योंकि वैसे ही मूड ख़राब हो गया अपर बर्थ सीट के। तो यहाँ पर ऊपर से मैं वीडियो ले रही थी, यहाँ पे ऊपर करके बैठे थे हम लोग। और ये मैंने इन पे जूम इसलिए किया था क्योंकि ये ट्रेन में ना सबसे डिफरेंट औरत दिख रही थी मुझको, इसलिए मैंने इनका ज़रूर ले लिया। कहना नहीं चाहिए, मैं किसी का वो नहीं कह रही हूँ। वो हमेशा गुस्से में ही रहती थी, उनको ना हमेशा गुस्सा लगा रहता था, तो मैंने कहा कि ये थोड़ी डिफरेंट है तो उनका मैं ले लूँ अपने वीडियो में डालूँगी। तो ये मॉर्निंग टाइम है। क्या हुआ था कि मेरे पेट में बहुत दर्द होने लगा था मॉर्निंग टाइम में, तो मैं नीचे उतर के आ गई थी। तो मैं खिड़की से ले रही थी सब कुछ, थोड़ा टहल भी रही थी और ले भी रही थी क्योंकि ऊपर बैठे बैठे ना मतलब दर्द होने लगा था पेट में, तो इसलिए नीचे उतर रहे थे। तो यहाँ पर मैंने लिया था ट्रेन से जाते हुए। ये बहुत ख्वाहिश थी कि मैं ट्रेन से चलते खिड़की से लूँ। ये देखिए, ये नीचे खड़ी होकर मैं ले रही थी यहाँ पे। तो ये मैंने साइड लोअर का लिया था, मैं अकेले नहीं खड़ी थी नीचे, साथ में दीदी भी थी मेरी, क्योंकि अकेले मैं नहीं पा रही थी और दीदी भी परेशान हो गई थी कि मेरे पेट दर्द हो रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये भी खड़ी है। तो मैंने कहा वैसे तो पूरी बनी नहीं है, आपकी एक भी लाओ इधर ही बना लें। और ये हम लोग ऊपर बैठ गए फिर। तो ये देखिए ऊपर बैठ गई, हाय हेलो कह रही थी, कुछ बोल ही नहीं रही थी उस वक्त। मैं कह रही थी कुछ बोलो बोलो नहीं, और लोग की तरह बस देख रही हैं टुकु टुकु चार आँख लेकर। तो ये यहाँ पे लेटे हुए बहुत लोग। अरे देखिए, मैं अपनी शरारत वगैरह कर रही हूँ बैठ के, क्योंकि और यहाँ पे क्या हुआ था कि जैसे वहाँ ट्रेन पे कितना भी अंदर टहलने की कोशिश करो नहीं हो पाता, कोई नहीं टहल पाता क्योंकि इतने लोग आते जाते हैं। तो फिर एक स्टेशन आया था तो वहाँ पे मैं उतर गई थी, हमेशा डॉन में उतर गए थे। तो हम दोनों लोग टहल रहे थे क्योंकि सब परेशान हो गए थे, मेरा पेट दर्द होने लग गया था। और ये फिर यही विंडो से हम लोगों ने अच्छे अच्छे व्यूज़ लिए, बट वो सारे शॉर्ट्स के हैं, ब्लॉग का एक भी व्यू नहीं लिया मैंने। कि ये हो रहा था ना बस अब कितनी जल्दी पहुँचे, क्योंकि पैर बहुत दर्द कर रहा था, हर चीज़ दर्द कर रही थी। तो यहाँ पे ये देखिए पेड़ पौधे वगैरह। और ये जो हमारी ट्रेन थी ना, ये हम लोग जब जम्मू से कटरा जा रहे थे तो वहाँ पे ना पहाड़ के बीच में से ट्रेन जाती है, तो ये ना पहाड़ में टनल टाइप का बना हुआ था, तो वहाँ से अंदर से ट्रेन जा रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए ये चीज़। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ थे। आगे शॉर्ट्स में आप लोग को देखने को मिलेंगे, बहुत कुछ दिन तक तो देखने को मिलेंगे ही। ये देखिए एक टनल, फिर उसके बाद दूसरा टनल आया ये। तो मैंने ज़्यादा नहीं दिखाया, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाती और आप बोर हो जाते, बहुत बना है ये। तो ये हम लोग आ चुके हैं कटरा माता रानी के यहाँ पे, और ये देख रहे हैं हम पहाड़, यहीं पे माता रानी विराजमान है। तो हर एक एक चीज़ दिखाई जाएगी आपको, बिल्कुल मत सोचिए कि मैं एक वीडियो में सब ख़त्म कर दे रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी स्टार्टिंग है, दी एंड बहुत अच्छा होगा। सो देखिए आप लोग, पहुँच चुके हैं हम लोग कटरा। और ये फिर देखिए ये जा रही है अपना बैग वैग लेकर, कहती मेरी एक ऐसी वीडियो बना दी। मैंने कहा ठीक है आओ बना दे रहे हैं। तो ये यहाँ पे ये देखिए ये आ रही है अपना पोलिया बिस्तरा लेके। यहाँ पे मैं भी
देखिए श्री माता वैष्णो देवी कटरा का बोर्ड, जो मेरी बहुत ज़्यादा विश थी कि मैं इस बोर्ड की वीडियो लूँ, सो मैंने ले ली है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।